अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज देखिए मेरा स्टाइल शिरपुर में बना रही हूँ। उसके लिए मैं 100 ग्राम काली ओनली बादाम ली, मैं कोई चीज़ नहीं ली। काजू पिस्ता, कोई पिस्ता डाल सकते हैं आप चाहे तो, काजू भी डाल सकते हैं, मगर मैं रात रात भर भिगा ली इसको। इसका स्किन निकाल देखिए, बारीक काट लेके धूप में एक दिन सुखाना, एक दिन या दो दिन, कल ईद है तो मैं रात में भिगा ली। अभी स्किन निकाल के बारीक काट लेके सुखा लेती हूँ इसको। ऐसा सूखने से क्या है, क्रंची हो जाती है, कुरुम कुरुम होती, ये काट के बता दी। देखिए पूरा स्किन निकाल दी, काट लेती हूँ, काट लेके फिर बताती हूँ। स्किन है तो अपने वजन नहीं होता। ये ऐसे थाले में सुखा लेना सारा दिन, या फैन के नीचे स्टील के उसमें सुखाए तो जल्दी सूखते, उसके बाद बता दी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देखिए मेरा स्टाइल शीरकुरमा बना रही हूँ। सबको ईद मुबारक है आप लोगों को, अल्लाह खुश रखो, हज़ार खुशियाँ दिए सबको, सबको बच्चों को बचाओ हर बीमारी से, मेरे बच्चों को भी हाथ सुन से आजमाइश से बचाओ अल्लाह, आमीन सुम आमीन। ये गुड लाइफ ली मैं, ये गुड लाइफ बहुत गाढ़ा रहता, शीरकुरमा बहुत टेस्टी रहता, आपकी मर्ज़ी आप जो चाहे लीजिए। उसके लिए मैं 100 ग्राम, ये 2 लीटर दूध ली देखिए मैं, ये 100 ग्राम सेमिया रहता, और ओनली मैं बादाम ली। ये घी में फ्राई कर लेती हूँ, ये पहले तो ये गरम कर लेती हूँ दूध, उसके बाद बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उबाल आया 1 किलो को, 1 लीटर को, एक कटोरा शक्कर डालती हूँ, 2 किलो को, 2 लीटर को 2 कटोरा शक्कर डालती हूँ। इसको अच्छा से हिलाना, पकने देना, उसके बाद बताती हूँ। दूध मेरा लाल पक गया, अच्छा ओंटा, उसके बाद मैं घी डाली चूल्हे पे, भगोना रखे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादाम फ्राई करके बताती हूँ, सेमिया भी स्लो पे फ्राई करना, नहीं तो जल जाते, ब्राउन फ्राई करना है। ये सेमिया भी फ्राई करके बताती हूँ। देखिए सेमिया ऐसा अच्छा भून लेना, अच्छी कलर आए, देखिए ब्राउन कलर आ गया। अब आपकी मर्जी है घी ज़्यादा डालते या कम डालते, मैं तो कम ही डाली, धूप को ज़्यादा प्याज लगता, घी ज़्यादा खाए तो। अच्छा फ्राई हो गए मेरा सेमिया, इसमें डाल देती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा गर्म होने के, पकने के बाद डिश आउट करके बताती। एक खजूर भी डालना है, खजूर डाल के ओंटाना अच्छा, तो कलर और अच्छा आता और टेस्ट होता। देखिए बनकर रेडी है मेरा ईद का शीरकुरमा, माशाल्लाह बहुत टेस्टी रहता, ज़्यादा सेमिया नहीं डाली मैं, ऐसी पीना है। और जो है सो ये चुप डेकोरेशन के लिए रखी, मेरे दांत में दर्द हो रहा है, ये खाए तो दांत में दर्द कम होता फूल। और जो है सो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इससे पहले वीडियो रखी थी ना, ये नीम का गोलियाँ, ये खाए तो फजर में मेरी तबीयत ठीक हुई, नहीं तो इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी। अल्लाह सेहत दिए हो सबको हमको। खजूर भी डालना है इसमें, माशाल्लाह बहुत टेस्टी रहता, और ये टेस्टी पूरी साल भर अपन ट्राई करें तो भी नहीं होता। आज अल्लाह की रहमत होंगी, ये अल्लाह की मोहब्बत इसमें होंगी, या अपन दिल से बनाते पता नहीं, बहुत टेस्टी रहता। आप लोग भी बना लीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।